मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे वर्नियर कैलिपर के बारे में। आज का टॉपिक है हमारा वर्नियर कैलिपर कंप्लीट गाइड, जिसमें हम आपको वर्नियर कैलिपर के बारे में कंप्लीट बताएंगे। वर्नियर कैलिपर क्या है, यूजेस क्या हैं, पार्ट क्या हैं, इसके लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं और टेबल में रीडिंग किस तरह से लेते हैं। सबसे पहले वर्नियर कैलिपर क्या है, ये एक वर्नियर कैलिपर डिवाइस है हमारे पास, ये और ये एक ऐसा फिजिकल डिस्टेंस मेजर करते हैं हम, इसे आउटर डायमीटर है या इनर डायमीटर है या किसी की डेप्थ है, बॉडी चाहे रेक्टेंगुलर है, सर्कुलर है, स्क्वायर में है, कोई भी सॉलिड बॉडी है। अब इसके पार्ट देखें, इसके दो हमारे ये आउटर जा हैं, ये इनर जा है और ये हमारी इसकी डेप्थ स्ट्रिप है, जिससे हम किसी बॉडी की गहराई नापते हैं। और ये इसका लॉकिंग स्क्रू है, जिसे किसी रीडिंग पर फिक्स करके हम इसको लॉक कर देते हैं तो ये रुक जाता है वहाँ लॉक। और ये रोलर है, जिससे कि हम रीडिंग्स पर इसको लेके जाते हैं। अब ये हमारे पार्ट हो गए हैं इसके, और दो पार्ट और हैं इसके, मेन स्केल और वर्नियर स्केल। ये मेन स्केल है ये वाला, और ये वर्नियर स्केल है ऊपर वाला, ये मूव कर रहा है, ये वर्नियर स्केल है मूव होने वाला, और नीचे वाला हमारा मेन स्केल है। अब हम आते हैं इसका लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। लीस्ट काउंट क्या है, लीस्ट काउंट है कि हम इसे मिनिमम कितना डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। इन नीचे वाले स्केल में लेंगे तो सेंटीमीटर में हम कितना मिनिमम सेंटीमीटर निकाल सकते हैं, और ऊपर वाले में लेंगे तो मिनिमम कितने इंच के इंच हम इसमें निकाल सकते हैं, ये लीस्ट काउंट है। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला हम यहाँ पर रखते हैं, लीस्ट काउंट 1 MSD - 1 VSD। वैसे हमने लीस्ट काउंट का एक सिंपलेस्ट फॉर्मूले से एक वीडियो बनाई है पहले, उसे देख करके उस मेथड से भी इसका लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला है 1 MSD - 1 VSD, MSD एंड VSD। मेन स्केल डिवीज़न क्या है और वर्नियर स्केल डिवीज़न क्या है, हमें ये पता होना चाहिए। ये मेन स्केल है, इसका जो एक डिवीज़न है वो मेन वन डिवीज़न, 1 MSD का मतलब है द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव लाइन, यानी किन्हीं भी दो लाइनों के बीच का जो कम से कम दूरी है। दो लाइन कोई भी हम इसमें पूरे कंप्लीट में ले लेंगे, सपोज ये दिस टू दिस, दिस इज द 1 मेन स्केल डिवीज़न। इससे छोटा तो और कोई डिवीज़न है नहीं इसमें, सारे ये इससे बराबर ही हैं, चाहे यहाँ से यहाँ तक ले लें, दिस इज़ द 1 मेन स्केल डिवीज़न। लेकिन अब कैसे पता लगे कितना सेंटीमीटर कितना है ये, इसके लिए हम देख रहे हैं 8 और 9, ये पूरा सेंटीमीटर स्केल है, 8, 9, 10, 11, 12, 8 to 9, दिस इज़ द 1 सेंटीमीटर। इस 1 सेंटीमीटर में कितने डिवीज़न हैं ये हम काउंट कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, यानी 8 to 9, 1 सेंटीमीटर में 10 डिवीज़न है, यानी हमारे पास आ गया 10 MSD = 1 सेंटीमीटर, यानी मेन स्केल के 10 डिवीज़न 1 सेंटीमीटर के बराबर है, यानी 1 मेन स्केल डिवीज़न हो गया 1/10 सेंटीमीटर, यानी 0.1 सेंटीमीटर, यानी 1 MSD हो गया हमारे पास 0.1 सेंटीमीटर। अब VSD के लिए आते हैं, VSD के लिए ये वर्नियर स्केल है, ये इसमें हमें एक डिवीज़न का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है कि कितना है, इसके लिए हमें एक रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा जो ये बताएगा कि कितने मेन स्केल डिवीज़न कितने वर्नियर स्केल डिवीज़न के बराबर है। एक रिलेशन हम फाइंड करेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसका जो वर्नियर है, वर्नियर को हम किसी भी एक डिवीज़न पर सेट कर लेंगे, वर्नियर की जो फर्स्ट लाइन है इसको हमने 2 पे सेट कर लिया है सपोज, और इसके टोटल कितने डिवीज़न हैं, 10 हैं इसके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, यानी वर्नियर स्केल के 10 डिवीज़न मेन स्केल के कितने डिवीज़न को ऑक्यूपाई कर रहे हैं ये हम नीचे से काउंट कर लेंगे, यानी ये 3 है, 2 to 3 के बीच में 10 डिवीज़न है, 10 से 1 डिवीज़न पहले ऑक्यूपाई कर रहा है, यानी वर्नियर स्केल के 10 डिवीज़न मेन स्केल के 9 डिवीज़न के बराबर हैं। काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यानी यहाँ तक है ये, यानी कितना होगा, 10 वर्नियर स्केल डिवीज़न = 9 मेन स्केल डिवीज़न। यहाँ से रिलेशन आ गया हमारे पास, 10 वर्नियर स्केल डिवीज़न = 9 मेन स्केल डिवीज़न, यानी 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न हो गया 9/10 मेन स्केल डिवीज़न। ये रिलेशन आ गया हमारे पास। अब हमें पता लग गया 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न है 9/10 मेन स्केल डिवीज़न। फॉर्मूले में रख देंगे लीस्ट काउंट के में, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला है 1 MSD - 1 VSD, 1 MSD एज इट इज़ लिख दिया, 1 VSD की जगह लिख दिया 9/10 MSD, माइनस करेंगे ये हो गया 1/10 मेन स्केल डिवीज़न। 1 MSD कितना है यहाँ देखा हम, 0.1 सेंटीमीटर, ये यहाँ पर रख दिया,
ये हो गया हमारा 0.1 या 1/10, 1/10 इंटू MSD का यहाँ से 1/10, टोटल हो गया 0.01 सेंटीमीटर। लीस्ट काउंट आ गया हमारा 0.01 सेंटीमीटर और 0.1 mm। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इससे हम रीडिंग कैसे लेते हैं और मेजरमेंट कैसे करते हैं, वो हमारा टेबल फॉर मेजरमेंट। इसके लिए हमारे पास ये पांच हैं, इसमें फर्स्ट है सीरियल नंबर, सेकंड है मेन स्केल रीडिंग, थर्ड है वर्नियर स्केल रीडिंग, फोर्थ है वर्नियर कोइंसाइड पॉइंट मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट, और नेक्स्ट है हमारे पास टोटल रीडिंग। टोटल रीडिंग हमारी मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग दोनों को ऐड करके फाइनल रीडिंग आ जाएगी। अब हम एक एग्जांपल लेके दिखाते हैं कि हम इसे मेजरमेंट कैसे करते हैं। सपोज ये मार्कर की कैप है और इसकी हमें डेप्थ निकालनी है। डेप्थ निकालने के लिए बताया था मैंने, ये डेप्थ स्ट्रिप है, इसको इसके अंदर इस तरह से रखेंगे हम, और जब ये यहाँ टच हो जाएगा प्रॉपर वो रीडिंग हम नोट कर लेंगे। ये अभी हमने सेट करके रख लिया, ये रीडिंग है हमारी। इसको हमें टेबल में किस तरह से लिखना है ये देखना है बस आपको। सबसे पहला कॉलम है सीरियल नंबर, नेक्स्ट है मेन स्केल रीडिंग यानी मेन स्केल में कितना रीड हो रहा है। इसके लिए मेन स्केल के जो डिवीज़न है वो हमें काउंट करने हैं। तो ये तो सेंटीमीटर में सीधा सीधा चल रहा है, 1 सेंटीमीटर, 2, 3 यहाँ होगा, 4, 5, 6, 7 इस तरह से। तो 3 सेंटीमीटर तो कम्प्लीट है, 3 सेंटीमीटर से हम आगे चलेंगे वो कितने डिवीज़न हैं वो हमें देखने हैं। यहाँ पर ये 5 डिवीज़न है, ये 5 की लाइन है, 6, 7 डिवीज़न से आगे पीछे से देख सकते हैं, क्योंकि टोटल 4 तक 10 डिवीज़न है। इससे पहले एक 9, उससे पहले 1 और उससे पहला डिवीज़न है 7, 7 से इंक्रीजिंग में है, तो 7 डिवीज़न कम्प्लीट है। एक डिवीज़न कितने का है, एक डिवीज़न हमारा है 0.1 सेंटीमीटर का। तो 7 डिवीज़न कितने के हो गए, 0.1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.7 सेंटीमीटर, और टोटल रीडिंग हो गई हमारी 3 सेंटीमीटर कम्प्लीट है इसमें, क्योंकि यहाँ पर 4 है, 4 से पहले 3 है, तो 3 सेंटीमीटर तो कम्प्लीट है और 7 डिवीज़न है, तो ये हो गया हमारे पास 3.7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारी मेन स्केल की रीडिंग आ गई है। अब हमें चलना है वर्नियर कोइंसाइड पॉइंट पर। वर्नियर कोइंसाइड पॉइंट क्या है, वर्नियर कोइंसाइड पॉइंट का मतलब है कि वर्नियर स्केल के 10 लाइंस में से कौन सी लाइन मेन स्केल की लाइन के बिल्कुल सामने है। मेन स्केल, वर्नियर स्केल की 10 लाइंस मेन स्केल की किसी भी लाइन के, वो बस हमें ये काउंट करना है कि कौन सी लाइन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कौन सी लाइन मेन स्केल की बिल्कुल सामने है। यहाँ देखें थोड़ा समझ आएगा, तो ये इसकी 10 लाइनें हैं, पहली लाइन नहीं है, दूसरी भी नहीं लग रही है, तीसरी भी नहीं, फोर्थ भी नहीं। मेरे अकॉर्डिंग इसमें जो फिफ्थ लाइन है, ये लाइन है जो वर्नियर स्केल की जो फिफ्थ लाइन है, ये इस लाइन के बिल्कुल सामने है। यानी वर्नियर स्केल की फिफ्थ लाइन है जो ये है, ये मेन स्केल की किसी भी लाइन के सामने है। मेन स्केल की लाइन से मतलब नहीं है कि कौन सी लाइन के फर्स्ट लाइन है या सेकंड लाइन है, बस वर्नियर स्केल की लाइन देखनी है, यानी उसी को हम बोलते हैं वर्नियर कोइंसाइड पॉइंट। तो यहाँ पर है हमारी ये फिफ्थ लाइन है, ये वर्नियर के कोइंसाइड पॉइंट के सामने है, तो ये हो गया हमारे पास फिफ्थ, वर्नियर कोइंसाइड पॉइंट हो गया फिफ्थ, यानी वर्नियर की पाँचवीं लाइन किसी भी लाइन के बिल्कुल सामने है। टोटल वर्नियर कोइंसाइड पॉइंट कितना है, फिफ्थ मल्टीप्लाई बाई लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर, टोटल हो गया ये 0.05 सेंटीमीटर। फाइनल रीडिंग पर हम आ जाते हैं, टोटल रीडिंग है हमारी मेन स्केल रीडिंग कितना है, 3.7 प्लस वर्नियर कोइंसाइड पॉइंट इनटू लीस्ट काउंट, ये था हमारा वर्नियर स्केल रीडिंग, ये हमारी 0.05 सेंटीमीटर, टोटल रीडिंग हो गई हमारी 3.75 सेंटीमीटर। इसी तरह से हम इसको रीडिंग को 3 बार लेंगे, उनका मीन निकाल लेंगे, जिससे कि हमारा ये इसका मीन आ जाएगा, मीन निकाल करके वो फाइनल रीडिंग आ जाएगी। इसमें 2 बातों का और ध्यान रखना है कि इसमें एरर तो नहीं है कभी इंस्ट्रूमेंट में, वो जीरो एरर 3 टाइप की होती है, 0 एरर, नेगेटिव एरर और पॉजिटिव एरर। इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।